चेक मेट। माय सुपर बॉस। इसे शतरंज में हराएगा तू? हराएगा तू? हराएगा तू? खेल के राजा को, भल्लाल ठाकुर को, या मेरी पोती को? मेरी पोती को। मेरी वो पोती जो आज तक मेरे सामने बोलने से भी कतराती थी, आज उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है। क्या चल रहा है? कौन है तू? बोल, बता, बता। दादाजी, आप जिस आदमी के सामने खड़े हैं, वो हम सबको धोखा दे रहा है। सच तो ये है कि इसने हमारे घर में जानबूझकर प्रवेश किया है। ये राधा से प्यार करता है, कॉलेज के बहाने वो इसके साथ घूम रही थी। ये दोनों झूठ बोल के आए हैं। जोधपुर में ये गाइड बनकर राधा की जिंदगी में आया और फिर इसने उसे अपने जाल में फंसाया। दादाजी, प्लीज उनको रोक दीजिए सर, प्लीज प्लीज उनसे कहिए उन्हें नहीं मारे बात। उसने हमारी जान बचाई थी ताऊजी, फूसे से। मालिक, मालिक, मंदिर से उस नायक ने राधा को अगवा कर लिया है। चल राधा, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। अगर वो भल्लाल ठाकुर एक मर्द की औलाद है और अगर उसमें जरा सी भी हिम्मत है तो बिना किसी हथियार के मेरे किले में आकर इसे छुड़ा के ले जाने को बोल। आजा। पहले मेरी पोती को छोड़ो। छोड़ दूं क्या? पहलवान विक्रम नायक जिनके नाम सुनते ही लोग अपना सर झुका लेते थे, आज उन्हें लोग दया की नजर से देखते हैं। देख मेरे भाई की हालत, भाई की हालत, भाई की हालत। जिस हाथ से मेरे भाई ने अपने तीनों बेटों के चिता को आग दी थी, आज उसी हाथ से तेरी पोती को तेरी आंखों के सामने मार डालेंगे और तू बस देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा। यहां तुम सबको एक साथ देखने के बाद तुम्हारे साथ भी वही करने का मन कर रहा है। क्यों ना तुम सबको एक साथ मौत के घाट उतार दो, मार डालो। अगर तू इनकी बैंड बजाएगा तो मैं क्या घंटा बजाऊंगा? मेरे घर ने 5 बार मातम मनाया है, 2 बार इस पर हमला कर चुका हूँ। बिहार से मैंने 100-100 गुंडों को बुलाया था, इनका खात्मा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। खैर छोड़, आज ये पल्लव सिंह और वीर नायक मिलकर ठाकुर परिवार की बलि चढ़ाएंगे। आज बहेंगी खून की नदियां। ए भल्लाल, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा तूने सोचा नहीं था ना? अबे देख क्या रहे हो, ऊपर से 6 इंच कम करो। लो लवर आ गया। मेरे घर में घुसकर तूने हीरोपंती की, उसके बावजूद तुझे छोड़ क्यों दिया पता है? क्योंकि मुझे लगा तू भी ठाकुर की मौत चाहता है, लेकिन तूने तो साला दल ही बदल लिया। उस दिन तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मार डालो साले को। सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता, हमला कब और कहां करना है ये भी जरूरी होता है। उसकी वजह से हमारे घर में 3 मौत हुई है।
और उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ओ भाई लोग, जब तुम्हारे जैसे 100 मरते हैं तब एक भल्लाल पैदा होता है। अरे जीतना तो परंपरा है ठाकुर परिवार की। अब तक जो हुआ वो सिर्फ कुश्ती थी, अब शुरुआत होगी युद्ध की। निकलो बाहर। झटका लगा ना, लगना भी चाहिए। यहाँ भल्लाल का राज चलता है, भल्लाल का राज चलता है। जिस समय तूने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था उसी समय ये किला मेरा हो गया था। मार डालो। ओए, वो उन्हें भी बचा रहा है और हमें भी बचा रहा है यार। हमें उससे मारने से रोका और अब खुद ही मार रहा है। रामायण महाभारत में तो बहुत पात्र देखे, लेकिन इस जैसे कैरेक्टर को तो पक्का लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सही कहा भाई। मैंने एक बार भाई क्या बोल दिया, तू तो मेरे घर ही पड़ गया। वहाँ देख, भाई का भाई बड़ा भाई आतंक मचा रहा है। भरपाई करेगा, करेगा। भरपाई करेगा, करेगा। भरपाई करेगा। लोक कल्याण का अर्थ है आयुर्वेद, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। पूरे खानदान को खत्म किया उसी की जान बचाई, क्या बात है। जगनमोहन रत्नाकर, मुझे बचाकर तुमने मेरे अंदर के अहंकार को मार डाला। मैंने तो तुम्हारे पूरे वंश को मिटा दिया, लेकिन तुमने मेरे खानदान को मिटने से बचाया। मैं तो समझता था कि जान लेने से प्रतिशोध पूरा होता है, लेकिन जान बचाकर प्रतिशोध को भुलाया जा सकता है, ये तुमने साबित कर दिखाया। तुम्हारे दादाजी कहते थे लोगों की जान बचाना तुम्हारे परिवार का कर्तव्य है, और तुमने साबित कर दिया। तुमने दादाजी का वचन निभाया, मुझे बचाकर तुमने मुझे कर्जदार बना लिया। सदा के लिए तुम जीत गए, मुझे माफ कर दो। आ,
अपने माता पिता को बुलाओ। आज ठाकुर घर आना, रत्नाकर घर आने की पूरी संपत्ति उन्हें अभी इसी वक्त वापस लौटाता है। रुकिए, और इस घर की महालक्ष्मी को, मेरी प्यारी पोती को आपके हाथों में सौंपता हूं पूरी जिंदगी के लिए। और पूरी जिंदगी हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में रहेगा। पश्चाताप से बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं है। इस क्षण से हम अपनी सारी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे। आज से हम एक परिवार हैं। मल्लाल ठाकुर, आप सब तो एक हो गए, लेकिन हमारा क्या? मैंने तुम लोगों को धोखा दिया, क्षमा कर दो, पिछली बातें भूल जाओ और आज से हमारे बीच की दुश्मनी खत्म। जान बचाने के साथ साथ रिश्ते भी जोड़ दिए, कितना महान आदमी है मेरा बॉस। हाँ ना, अबे चुप हाथी की औलाद, सारे डायलॉग तो क्या खुद बोलेगा। एक तो हमारी राधा को इसने पटा लिया, हमारी सारी संपत्ति भी हड़प ली तेरे इस दोस्त ने। सबका भला करने के बाद कुछ बोलना नहीं चाहोगे? हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, लेकिन उसके बीच के गैप को ईमानदारी से जीना सीखा।